नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दिल्ली में विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के कुनबे के दूसरे साथी गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी की अमित शाह से मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में अटकलें तेज है। गुरुवार को जीतन राम मांझी ने अमित शाह से मुलाकात की है। भले ही ये मुलाकात बिहार के विभूतियों को भारत रत्न देने की मांग के बहाने हुई हो, लेकिन उन दोनों की इस मुलाकात से सियासी पारा चढ़ गया है। खासकर नीतीश कुमार के लिए यह मुलाकात टेंशन बढ़ाने वाली हो सकती है, क्योंकि जीतन राम मांझी भी पलटी मारने में कभी देरी नहीं करते। पहले भी कई बार वो ऐसा कर चुके हैं। जीतन राम मांझी शराबबंदी कानून पर सवाल उठाते रहे हैं, बार बार बोलते नजर आते रहे हैं कि दलित पिछड़ों को इस शराबबंदी कानून के तहत जेल में डाला गया। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी ने महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो बिहार के सीएम भी रह चुके हैं। उनको लगता है कि बिहार सरकार अपने अहम फैसलों में उनके सुझाव नहीं लेती है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी को मिलाकर उनकी पार्टी में 4 विधायक हैं। बेटा संतोष सुमन एमएलसी है और सरकार में मंत्री भी। बेटे के अलावा मांझी अपनी पार्टी से एक और मंत्री बनाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं। यही सब वजह है जो नीतीश और मांझी के बीच तल्खी पैदा हो रही है। पूर्णिया में महागठबंधन की रैली में नीतीश ने अपने संबोधन में कहा भी था कि मांझी पर कुछ लोग डोरे डाल रहे हैं। उनका इशारा बीजेपी की तरफ था। आपको बता दें कि 2024 के चुनाव को देखते हुए बिहार में महागठबंधन का मुकाबला करने के लिए बीजेपी यूपी महाराष्ट्र की तरह हर छोटे दलों को साथ ले सकती है। तो वहीं जीतन राम मांझी की बात करें तो उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक राजनीति में है तब तक नीतीश का साथ देंगे। 2015 में नीतीश कुमार ने जब उनको सीएम पद से हटाया तो मांझी ने अपनी पार्टी एचएएम बना ली और बीजेपी से गठबंधन कर लिया था। 2017 में वो महागठबंधन में चले गए थे, लेकिन 2020 में फिर एनडीए में लौट आए। 2022 में फिर महागठबंधन में चले गए। अब शाह से मुलाकात के बाद अटकलें एक बार फिर से तेज हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।